वालेकुम व्यूअर्स आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल ब्रेड से बनने वाले बहुत ही लाजवाब और मज़दार मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ ना ही क्रीम ऐड करेंगे ना ही कंडेंस्ड मिल्क यकीन करें आपने एक बार ब्रेड का ये मीठा बना लिया तो आप स्वयं खाना भूल जाएंगे आपने ईद पर यह मीठा नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया तो आज की वीडियो का गोल रखते हैं पाँच हज़ार लाइक्स तो चलें शुरू करते हैं कढ़ाई में मैंने एक लीटर दूध लिया है मैंने डिब्बे वाला दूध लिया है आप रेगुलर जो दूध आता है वो भी ले सकते हो जब आप मीठा कोई भी बनाओ तो आप कोशिश करिएगा डिब्बे वाला दूध लिया करें दो से तीन इलायची डाल लें इसको बारीक पीस लेंगे और साथ में दो चम्मच स्वीट कोकोनट के ऐड किए आपके पास नहीं है तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है आपने इसकी जगह चीनी डालनी है तो चलें कोकोनट को मैंने पीस लिया है तो इसको आपने दूध में डाल देना है ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए अभी बहुत कुछ बाकी है अभी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा एंड तक पूरी वॉच करिएगा दो चम्मच पानी लें उसमें एक चम्मच आपने उसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करना मुझे येलो कलर भी चाहिए था इसकी जगह आप कॉर्नफ्लोअर भी डाल सकते हो एक चम्मच से ज्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं डालना अगर एक लीटर दूध है तो एक चम्मच कस्टर्ड का आपने डालना है इससे ज्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा बस ठीक करना है इसकी जगह आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो तो फिर साथ में आपको ज़ाफरान डालना पड़ेगा या थोड़ा सा फूड कलर तो इतना कुछ डालने के बजाय आप यही डाल लें तो ज़्यादा बेहतर है अब खूब सारे बादाम ऐड करने हैं थोड़े से अपने गार्निश के लिए ज़रूर बचा के रखने हैं खूब सारा पिस्ता डालें वो भी थोड़ा सा बचा लीजिएगा ज़रूर बचाइएगा ये ना भूलिएगा और देखें कितने मज़े का इसके हमें रबड़ी तैयार करनी है इसको गाढ़ा करना है आपने देखें दूध हमारा गाढ़ा हो रहा है अब इसको और पकाएंगे दस से बारह मिनट तो आपने ज़रूर पकाना है तो एंड पे चीनी डालिएगा ताकि जब आप कस्टर्ड बनाएं वो नीचे कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगेगा अगर चीनी बाद में डालोगे तो आपका कस्टर्ड बहुत अच्छा बनेगा चीनी आपने बाद में डालनी पहले नहीं डालिएगा इसलिए कि जब आपने चीनी पहले डाल दी तो दूध और कस्टर्ड नीचे लगना कढ़ाई में शुरू हो जाता है तो फिर वो आपको मसला बनेगा तो कोशिश करिएगा चीनी आपने एंड पे डालनी है अगर आप स्वीट कोकोनट नहीं डालना चाहते तो फिर चार चम्मच चीनी डालिएगा तो लीजिए जी हमारा मीठा रेडी हो चुका उसको ठंडा करना है आपने तो चले नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं ये मैंने चार ब्रेड लिए हैं इसकी जगह हमें आठ ब्रेड चाहिए इस तरह आपने ग्लास से कट करना है जिस ग्लास में आपने सेट करना हो उसी गलास से आपने जल्दी से कट कर लेना है बहुत ईजी मीठा है चलें जल्दी से हम वीपिंग क्रीम को भी बीट कर लेते हैं ये देखें मैंने वीपिंग क्रीम ली है इजीली मार्केट से मिल जाती है गर्मियाँ भी आ गई और आइसक्रीम भी शुरू होगी बच्चे तो खुश होकर खाएंगे बड़े भी खुश होकर खाएंगे जितने मजे का ये मीठा बनने वाला है जल्दी से हम इसको बीट कर लेते हैं ये देखें आपके सामने बीट और इसको थोड़ा टाइम तो लगता है इसकी क्वान्टिटी जब तक बढ़ नहीं जाती ये देखे बॉल काफ़ी ऊपर आ जाएगी इसकी क्वान्टिट्टी तो समझे आपकी क्रीम डालने देखे क्रीम कितने अच्छे से बीट हो चुकी है तो अब आपने इसको किसी शॉपर में डाल लें कोई बात नहीं आप शॉपर में भी डाल सकते हो इस तरह का बैग नहीं है कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है आपने टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी शॉपर में इसको डालें और कैंची से इसको कट करें तो चलें ऐसे इसलिए बताया कि ग्लास में इसको सेट करना है तो फिर आपको मुश्किल ना हो शॉपर में डाल लें चलें जी ग्लास हमारे रेडी हो चुके हैं सबसे पहले आप ब्रेड रखेंगे उसके बाद जो हमने इसका जो कस्टर्ड वाला बैटर है ये आपने ऊपर डाल देना है ये देखें और ब्रेड भी सॉफ्ट हो जाएगी तो दोबारा से एक लेयर फिर हम इस क्रीम की लगाएंगे ये देखें सबसे पहले ब्रेड उसके बाद आपने कस्टर्ड वाली लेयर लगानी है तीसरी लेयर जो है वो क्रीम की लगेगी बार बार के आपने लगानी है और ये देखें इधर ध्यान से वीडियो देखने वाली है वीडियो को स्किप नहीं करिएगा बहुत मज़े की वीडियो है अब दोबारा से अब आप आपने फिर ब्रेड रख देने ऊपर एक एक ब्रेड स्लाइस रख दें दोबारा से फिर एक एक स्लाइस ब्रेड का और ऊपर से फिर कस्टर्ड की लेयर लगा दें जितना खूबसूरत मीठा बन रहा है उतनी देर सब के साथ आप शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें जितना मज़े का ये मीठा बनेगा यकीन करें आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे एक बार बना लिया तो दोबारा भी इन आप ज़रूर बनाएंगे फिर दोबारा से आपने क्रीम की लेयर लगा देनी है वीपिंग क्रीम है ये मीठी होती है केक वाली है तो बहुत मज़े के लगते हैं आप रस मलाई को भी आप भूल जाओगे जब आप ये वाला मीठा बनाओगे तो ये देखिए आप एंड पे ड्राई फ्रूट डाल दें इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि ड्राई फ्रूट बचा के रखना है तो मुझे ये भी बताइएगा आप मुझे किन किन शहरों से देख रहे हो खुशी होती है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो लीजिए अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ मज़ा ना आए तो पैसे वापस ये वाली रेसिपी है सच में झूठ नहीं बोल रही यकीन मानिए इतने मज़े की रेसिपी है अभी मैंने ना कोई फ्रिज में रखा है उसी टाइम मैंने आपको दिखा दिया मुझे भी जल्दी थी तो देखें अब मैं इसको फ्रिज में रखूंगी इसको और ठंडा करूंगी तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो तो हमें याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़ मिलते हैं और नई वीडियो के साथ